हमारे को हर रमजान में यही देता है और हम इधर ही आते हैं। हम इधर काम करते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाजी साहब हमारे को हर रमजान मिलता है माशाल्लाह, खा पी के पेट फुल करके आते हैं। गुजरते हैं रास्ते में, वो हमें सामान भी देने वाले जो होते हैं, समोसे भी दे जाते हैं, ये भी हमारी डाल दें, ये भी बांट दें, तो ऐसे काफ़ी शरबतें हैं, खजूर के डब्बे, सब ये सब भी आ जाते हैं। जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं। आ जाओ भैया, आओ भाई, आओ, आ जाओ भैया, आओ मेरा भाई। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिन। माह रमज़ान इबादतों का महीना, सवाब बरकत कमाने का महीना होता है और इसमें लोग कोशिश होती है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाब समेट सकें समेट लें। और हम देखते हैं कि शहर काशी में जब कभी भी इफ्तार का वक्त करीब आता है तो आपको कुछ लोग अपने आप पास करीब बुलाते हुए मिलते हैं कि हमारे आए पास आए, इशारा करते हैं। वो इशारे का मतलब ये होता है कि उनके पास जाकर इफ्तार का रोज़ा खोलिए और सवाब कमाने दीजिए उनको। यानी आप वहाँ जब जाकर रोज़ा खोलते हैं तो उनको सवाब मिलता है और ये उनकी पूरी कोशिश होती है। शहर काशी के मुख्तलिफ इलाकों में आपको इस तरह के लोग मिलते हैं जो आप इफ्तार करवाते हैं, रोज़ा खुलवाते हैं लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग काम से निकले होते हैं, घर नहीं पहुंच सकते हैं तो उनके लिए रोज़े के लिए मुश्किलात होती है तो उनको रोज़ा खुलवाया जाता है। इसी तरीके से बहुत से लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अच्छा रोज़ा खुल सकें और इफ्तारी के अंदर अच्छा इंतज़ाम कर सकें, तो उनके लिए भी कोशिश की जाती है, यहाँ से लोग पार्सल भी लेके जाते हैं। तो आज हम आइए चंद्रीकर के मकाम पर मौजूद हैं और आपको बताएँगे कि लोग यहाँ पर स्ट्रीट इफ्तारी में क्या क्या खाते हैं और लोगों का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है रमज़ान में। हमारे साथ रहिए। ये देखें भाई माशाल्लाह, ये लोग ये देखें ये हैं कराची वाले जो लोगों को इफ्तार करवाते हैं। ये तमाम लोगों को जो जिनके घर दूर हो जाए या कोई पहुंच ना पाए तो ये लोगों इस तरीके से रोकते रहते हैं। ये देखें तो सर पूरे रमजान इसी तरह लोगों को रोकते इफ्तार करा के सवाब कमाते हैं। आओ आओ। अरे माशाल्लाह, देखें उनके पास इतना टाइम नहीं, वो लोग बस कोशिश कर रहे हैं कि लोग बैठ सकें। अच्छा ये बाबा रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा, माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। देखें कोई कंजूसी नहीं, कोई किसी तरीके से ये नहीं, खालिस तरीके से मनाते हैं ताकि लोग जो यहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं उनको अच्छे से अच्छी चीज़ मिले और ठंडा मिले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये काम करते हैं। ये हाजी साहब को बहुत देवे और अल्लाह ताला हाजी साहब को बहुत देवे और हर इंसान को हमारे ये हाजी साहब। अरे माशाल्लाह, देखें ये है कराची वालों का जज्बा माशाल्लाह। देखें दिल खोल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं, वाकई दिल खोल के देते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये तमाम वो लोग मजदूर हैं या जिनके घर दूर हो जाते हैं, जो घर पहुंच नहीं पाते तो उनको यहाँ रुकवा देते हैं ताकि वो इफ्तारी कर लें और इज्जत के साथ इफ्तारी कर सकें। और ये देखें माशाल्लाह, ये देखें तमाम भाई हमारे इफ्तारी के लिए रेडी हो रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त माशाल्लाह जी माशाल्लाह। तमाम वो जो लोग जो घर से दूर हैं या किसी काम से निकले हुए हैं, ताकि हर बंदा घर पर नहीं पहुँच पाता। सर ये बताएं कि कितने सालों से करते हुए आ रहे हैं आप लोग ये काम? सर ये लगभग 13-14 साल हो गए। 16 साल। और ये जज्बा अभी तक है, महंगाई हो गई, परेशानी नहीं? नहीं नहीं यार, फर्क नहीं पड़ा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, अल्लाह का शुक्र है। और क्या क्या देते हैं इफ्तारी के अंदर? क्योंकि खरबूजा, केला, कप, समोसा, पकौड़ा, शरबत, पानी, खजूर। आपकी उस्ताद होते हैं? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, सब सब मिल के करते हैं। जी हाँ जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें देते हैं, ये समोसा भी है, पकौड़ा भी है और ये जूस का गिलास जी हाँ मिलता है। जबरदस्त, हमारे को हर रमजान में यही देता है और हम इधर ही आते हैं और माशाल्लाह इधर काम मिलता है। काम वगैरह यहीं करते हो? हम इधर काम करते हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और हाजी साहब हमारे को हर रमजान मिलता है माशाल्लाह, खा पी के पेट फुल करके खाते हैं। ये देखें जी, इफ्तारी खुल गई, हम भी यहीं के साथ इफ्तारी कर रहे हैं। ये देखें हमने खजूर से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी लकसम तो अभी काम तो वाले का तवक्कल तो वाला इसके का तो समोसा भी ले लो यार, प्लेट ले लो। अल्लाह अल्लाह सर, खाते खाते हो ना? ले ले भाई, ले ले, ये खाएंगे ना भाई। तो देखें जी माशाल्लाह, हमने भी इफ्तारी के लिए सामान ले लिया है, इसमें केला है, फ्रूट है, समोसे हैं, पकौड़े हैं। पाकिस्तान के साथ यूट्यूब में नहीं आता, उसमें पाकिस्तान के साथ उसमें आ जाए। समोसा वही समोसा है जो आपको आम मार्केट में मिलता है, ऐसा नहीं है कि यहाँ स्ट्रीट पे इफ्तार करवा रहे तो उसकी क्वालिटी गिरा दी होगी, नहीं, समोसा वही आला तरीन क्वालिटी का। और यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो रास्ते से गुजरते हैं, अपनी कारें गाड़ियाँ रोक के हमें उसमें ये देते हैं कि हमारी तरफ से भी डाल दें। अच्छा सामान भी देके जाते हैं? हाँ, देख के भी जाते हैं। ये बता रहे हैं इस तरह है ना कि यहाँ से लोग जो गुजरते हैं रास्ते में वो हमें सामान भी देने वाले जो होते हैं, समोसे भी दे जाते हैं, ये भी हमारी
डाल दें, ये भी बांट दें, तो ऐसे काफ़ी शरबतें हैं, खजूर के डब्बे, ये सब, ये सब भी आ जाते हैं। कराची वालों का जज्बा ही कुछ और है, कराची वाले, कराची वाले, इसमें कोई शक नहीं, एक महीना है इसमें बस, जितना सही बात है। लेकिन माशा पूरा वो एक क्वालिटी के हिसाब से जो आपको एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलती हैं वही क्वालिटी के हिसाब से देते हैं माशाल्लाह। कितने सारे तकरीबन इस सौ के करीब लोग हैं, 100-150 अच्छा 100-150 पार्सल हो जाती है और बाकी सारे लोग यहाँ पर होते हैं माशाल्लाह। सर एक गिलास देंगे शरबत का? सर आपके लिए तो भर रहा हूँ, मैं गिलास लाया हूँ। अरे थैंक यू सो मच। देखें जी ये है शरबत। माशाल्लाह कराची वालों का बहुत बड़ा जज्बा है, इसमें कोई शक नहीं यार। और फिर हमारा साहब जो है ना माशाल्लाह अल्लाह उसको और दे, अल्लाह इसमें और देता है, ऐसी बात है यार, अल्लाह उसको सेहत दे, उसको सफा दे। शरबत की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, रूह अफजा खारिज था, इसमें ऐसा नहीं था कि कोई मतलब, दिल खुश होता है कराची वालों के जज्बे को देखकर। अच्छा भाई आपने देख लिया, तमाम लोगों को बहुत ही इज्जत नफ्स के साथ इफ्तार करवाई जाती है और हमने भी इफ्तार की, यकीन मानिए एक बेहतरीन किस्म की इफ्तार का इंतज़ाम किया गया था, इसमें किसी किस्म की कंजूसी नहीं थी, तमाम जो अजरा थे वो अच्छी तरीके से मनाए गए थे, इसी तरीके से शरबत हो चाहे वो समोसे हो, तो यानी जो लोग आए यहाँ पर खुश थे। और कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, हर बंदे की कुव्वत खरीद में ये चीज़ें नहीं आती है, मगर ये जज्बा है जो सवाब कमाने का जज्बा है, और कराची में जो है ना एक तरीके से रजाकाराना तौर पर खिदमत करने का जो जज्बा है वो शायद बहुत कम शहरों में देखने को मिलता है, और यहाँ कराची वाले हमेशा से इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कामों के अंदर, जिसमें ताकि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा खिदमत की जा सके। यही देखा कि हमने यहाँ पर तकरीबन 100-150 लोगों को यहाँ पर इफ्तारी करवाई गई बहुत ही इज्जत के साथ। इसी तरीके से आईए चंद्रीगढ़ के मकाम पर ही 2-3 दस्तरखान लगते हैं, और शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चाहे शायद शायर फैसल हो, इसी तरीके से दीगर शाहराओं पर आपको रोड के अतराफ में लोग मिलते हैं जो रोड पर रोज़ा खुलवाते हैं, ताकि जो लोग घर ना पहुँच सके या जिनके पास इतने पैसे ना हो उनको रोज़ा खुलवाया जा सके। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उम्मीद है कि इस तरह से लोगों को ये वीडियो देखकर ज़्यादा इंस्पायर होंगे और अपने इलाकों में भी इस तरह का बंदोबस्त करेंगे कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते तो उनके लिए इंतजाम कर सकेंगे। तो इस उम्मीद के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।